क्या हालत है लखनऊ की? ये चादरें लगाई जा रही हैं लखनऊ के अंदर शमशान को ढकने के लिए। यहां का जो बैकुंठ धाम शमशान है, उस शमशान को ढकने के लिए चादरें लगाई जा रही हैं। अगर ये मेहनत, ये परिश्रम, ये चिंता अस्पताल बनाने में उत्तर प्रदेश की सरकार ने की होती, भाजपा की सरकार ने की होती, अगर ये चिंता वेंटिलेटर बेड बनाने में की होती, ऑक्सीजन बेड बनाने में की होती, तो आज शमशान ढकने के लिए चादर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लाशों के जलने का जो दृश्य और वीडियो कल रात से लखनऊ में चल रहा है, आप भयावहता की कल्पना नहीं कर सकते। और उसके ऊपर से जिस प्रकार की पीड़ादायक तस्वीरें और लोगों के बयान आ रहे हैं, जिस प्रकार की दुश्वारियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, जिस तरह से लोगों की जिंदगी के साथ लखनऊ में खिलवाड़ हो रहा है, उत्तर प्रदेश में खिलवाड़ हो रहा है, उससे और दुख और तकलीफ पैदा होता है। मन में यह पीड़ा होती है कि आज इंसान की जिंदगी की कीमत जानवर से भी कम है। आज उसको मरने की हालत में छोड़ दिया गया है। और यह सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश सरकार के एक माननीय मंत्री हैं, कानून मंत्री बृजेश पाठक जी, इन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखी सरकार को, और इसमें इन्होंने लिखा है कि इनके क्षेत्र के एक पद्मश्री योगेश प्रवीण जी, जो बड़े इतिहासकार थे, उनके लिए इन्होंने सीएमओ से स्वयं बात किया, घंटों तक उनको एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं मिल हो पाई, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई, उनकी जान चली गई। दूसरी बात मैं बताता हूं, एक पूर्व जिला जज हैं रमेश चंद्रा जी, उनकी पत्नी के लिए उन्होंने लिखा, सैकड़ों बार उन्होंने फोन किया, अपील की एम्बुलेंस मिल जाए, बेड मिल जाए, हॉस्पिटल मिल जाए। एक पूर्व जिला जज की पत्नी को हॉस्पिटल नहीं मिल पाया, एम्बुलेंस नहीं मिल पाया, उनकी पत्नी की जान चली गई। और जान जाने के बाद और दुखदाई बात सुनिए, अपनी पत्नी की लाश को उठाने के लिए वो फोन करते रहे कि इसको कम से कम, इस लाश को तो यहां से उठाने वाला कोई गाड़ी या कोई एम्बुलेंस आ जाए, वो भी नहीं आई। ये हालत है लखनऊ की। और कितनी गंभीरता सरकार ने दिखाई, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के, सुनील बंसल जी, उनके साथ एक कार्यक्रम में थे, और उसी दिन टेस्ट किया गया सुनील बंसल जी का, जिसमें उनका कोरोना पॉजिटिव आया। उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट करके अपील की कि मेरे संपर्क में जितने लोग आए थे वो कोरोना के नियमों के मुताबिक अपने आप को आइसोलेट कर लें, अपने आप को सावधानी बरतें, क्योंकि मुझे कोरोना पॉजिटिव हो गया है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मैंने भी अपील की, मैंने भी ट्वीट करके कहा कि मुख्यमंत्री जी, आप एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, कृपा करके कोरोना नियमों का पालन कीजिए, अपने आप को आइसोलेट कीजिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ना अपने स्वास्थ्य की चिंता की, ना अपने साथ काम करने वाले अधिकारियों की स्वास्थ्य की चिंता की, ना उनका हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले क्रूज की चिंता की, ना उन्होंने बंगाल में अपने नेताओं की चिंता की, ना वहां पर जुटने वाली भीड़ की चिंता की, जनता की चिंता की। वो बंगाल रैलियां करने चले गए। और उसके बाद आदित्यनाथ जी की भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं वो जल्द स्वस्थ होकर अपने काम पर वापस लौट लें, उत्तर प्रदेश की जनता की चिंता करें। लेकिन एक मुख्यमंत्री रहते हुए कि जिस जिम्मेदारी का परिचय आपको देना चाहिए था, अगर आप स्वयं को आइसोलेट करते, आज खुद भी स्वस्थ रहते और एक मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश की ज्यादा बेहतर सेवा कर पाते, और आसपास के लोगों को जो कोरोना पॉजिटिव हुआ, अधिकारियों को जो कोरोना पॉजिटिव हुआ, जिन
हेलीकॉप्टर में आप गए, जिन रैलियों में आप गए, उससे जो खतरा पैदा हुआ उससे लोगों को बचा सकते थे। उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है आप देखिए, 300 संक्रमित चुनाव कर्मियों को ड्यूटी में लगा दिया गया। चुनाव के पंचायत के चुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, 300 ऐसे कर्मचारी जिनको चुनाव की ड्यूटी में लगा दिया गया। और जब अखबार ने इसकी खबर की तो उस पर फिर कोरोना संक्रमित अधिकारियों की जब ये खबर आई सामने तो उससे एक हड़कंप मचा कि कोरोना संक्रमित लोगों की यहां पे ड्यूटी लग गई। और ये पूर्व जिला जज की दुखदाई ये हकीकत जिसमें उन्होंने अपने पत्नी के मौत की पूरी जानकारी दी है कि किस तरह से उनको एक बेड नसीब नहीं हो पाया और मरने के बाद एक एम्बुलेंस भी नसीब नहीं हो पाई, वो अपनी पत्नी की लाश को ले जाने के लिए बार बार रोते रहे, अनुरोध करते रहे। साथियों आपको याद होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कोरोना की आपदा से निपटने के लिए पीएम केयर्स बनाया था, आपको याद है आप या भूल गए मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस पीएम केयर्स में हजारों करोड़ रुपए तमाम बड़े बड़े पूंजीपतियों से, उद्योगपतियों से, विदेशी कंपनियों से, यहां तक कि चाइना से, चाइना की कंपनियों से चंदा लेने की खबरें आई थी। और उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बड़े बड़े दावे किए थे कि नहीं नहीं साहब, ये पीएम केयर्स तो कोरोना के लिए लगाया जाएगा, कोरोना से लड़ने के लिए लगाया जाएगा, कोरोना के इस बीमारी को दूर करने के लिए लगाया जाएगा और पीएम केयर्स के जरिए लोगों की सेवा की जाएगी। लोगों को इंतजार था इस बात का कि पीएम केयर्स का क्या उपयोग होता है। और अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पीएम केयर्स की वेबसाइट पे आप जाइएगा तो ये डिटेल पड़ी है कि पीएम केयर्स फंड का कहां कहां कितना इस्तेमाल हुआ है। अब इसमें क्या लिख रहे हैं, ये पीएम केयर्स के फंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्होंने लिखा कि 2000 करोड़ रुपए, 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स, मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स को खरीदने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो कि केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र शासित राज्यों के सरकारी अस्पतालों में ये वेंटिलेटर दिया जाएगा, मेड इन इंडिया वेंटिलेटर, 50,000 वेंटिलेटर, और इसके लिए पीएम केयर से 2000 करोड़ रुपए दिए गए। अब मैं आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, ये 50,000 वेंटिलेटर गए कहां, इसको आसमान खा गया या जमीन निकल गई? क्योंकि जिस लखनऊ में मैं बैठा हूं, जिस उत्तर प्रदेश में मैं हूं, यहां तो वेंटिलेटर बेड छोड़िए, ऑक्सीजन बेड छोड़िए, सामान्य बेड नहीं मिल रहा लोगों को। लोग अपनी कोरोना संक्रमण की जांच कराने जाते हैं, घंटों लाइन लगानी पड़ती है, हॉस्पिटल में बेड के लिए जाते हैं, घंटों लाइन लगानी पड़ती है, उनकी जान चली जाती है, लाश चलाने के लिए परिवार वाले जाते हैं, घंटों लाइन लगानी पड़ती है। ये कहां गया 50,000 वेंटिलेटर, किसको दिया आपने, कहां इसकी खरीद हुई, किस मेड इन इंडिया कंपनी ने इसको बनाया? इसमें आगे लिखा हुआ है 1000 करोड़ रुपए माइग्रेंट लेबरर्स के लिए दिया गया और 100 करोड़ रुपए वैक्सीन के लिए दिया गया, ये डिटेल लिखी हुई है। 50,000 वेंटिलेटर बेड पीएम केयर्स के जरिए दिया गया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री के पीएम केयर्स की जो डिटेल उनकी जो वेबसाइट पे पड़ी है उसके माध्यम से मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से इस पीएम केयर्स के वेंटिलेटर बेड की क्या हकीकत है, आपको जान के हैरानी होगी। और मैं कई बार जब मैं सख्त शब्दों का इस्तेमाल करता हूं तो लोग बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट करते हैं, कहते हैं कि आपको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और लेकिन तकलीफ होती है साथियों, तकलीफ होती है, दुख होता है। राजस्थान में
1900 वेंटिलेटर पीएम केयर्स के माध्यम से गए और इस 1900 वेंटिलेटर में से लगभग 90% वेंटिलेटर फॉल्टी हैं। यह इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, पढ़ लीजिएगा। यह खबर है 9 अप्रैल की 2021 की खबर है, इसको जरूर पढ़िएगा क्योंकि इसको कोई टीवी चैनल दिखाने वाला नहीं है। इस पर कहीं कोई डिबेट नहीं होगी, इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं होगी, इस पर कहीं कोई बातचीत नहीं होगी, लेकिन इसको खोज कर आप एक बात पढ़ लीजिएगा। यह पीएम केयर्स का मेड इन इंडिया वेंटिलेटर, इसका सच है कि 1900 वेंटिलेटर में 1100 वेंटिलेटर वहां सप्लाई किए गए और जिसमें से 90-95% वेंटिलेटर खराब पाए गए, चल ही नहीं रहे। ये पीएम केयर्स फंड की हकीकत है। तो जो हजारों करोड़ रुपए पीएम केयर्स फंड में जनता का, बड़े बड़े व्यापारियों का, उद्योगपतियों का, पूंजीपतियों का पैसा लिया गया, वो पैसा कहां गया? वो पैसा शमशान में दलाली खाई जा रही है, वेंटिलेटर की खरीद में घोटाला किया जा रहा है, वेंटिलेटर की भी खरीद में घपला किया जा रहा है। ये सवाल कौन पूछेगा देश के प्रधानमंत्री से? कौन उनसे सवाल करेगा कि पीएम केयर्स के पैसे का इस्तेमाल आप बंगाल की चुनाव रैली में कर रहे हैं या विधायकों की खरीद फरोख्त में कर रहे हैं? क्योंकि वेंटिलेटर जो आप खरीद रहे हैं वो तो खराब हो जा रहे हैं, वो तो फॉल्टी है, वो तो किसी काम के नहीं है। और कहां गए ये 50,000 वेंटिलेटर, मेरा फिर सवाल है। क्योंकि लखनऊ जहां मैं बैठा हूं, या तो वेंटिलेटर बेड छोड़ दीजिए। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था एक हफ्ते पहले कि हम 2000 नए वेंटिलेटर और आईसीयू बेड बनाएंगे, उसका अभी तक पता नहीं है कोई हम लोगों को। तो इसलिए हमको आपको जगना पड़ेगा। मैं नहीं कहता आपसे किस पार्टी को आप वोट देंगे, आप दीजिए, जिस पार्टी को भी आप वोट देना चाहते हैं दीजिए आप, लेकिन कम से कम अपने सवालों पर, अपने मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछना तो शुरू कीजिए। इन नेताओं को यह लगता है कि उनका कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता, वो जैसे चाहे हिंदुस्तान को चलाएंगे, जैसे चाहे आपको प्रताड़ित करेंगे, जैसे चाहे आपको जुल्म और जाति का शिकार बनाएंगे, जैसे चाहे आपको जानवरों की तरह ट्रीट करेंगे, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह गलतफहमी कैसे दूर होगी अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे, अगर आप सरकार को क्वेश्चन नहीं करेंगे? जिनको आपने वोट दिया, जिनको आपने समर्थन दिया, अगर आप उनसे कुछ प्रश्न नहीं करेंगे तो वो बेपरवाह होकर हमको आपको कुचलते जाएंगे। उनसे प्रश्न तो पूछिए। चुनाव आए तो जो मर्जी पार्टी को वोट दीजिएगा, आप स्वतंत्र हैं लोकतंत्र के अंदर। लेकिन रेल बेची जा रही है आप चुप रहते हैं, सेल बेची जा रही है आप चुप रहते हैं, कोल इंडिया बेचा जा रहा है आप चुप रहते हैं, एयर इंडिया बेचा जा रहा है आप चुप रहते हैं, बीपीसीएल बेचा जा रहा है, बैंक बेचा जा रहा है, एलआईसी बेची जा रही, सड़क बेचा जा रहा है, बिजली बेची जा रही, पानी बेचा जा रहा है, एफसीआई के गोदाम बेचे जा रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान बेचा जा रहा है, और आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। 35 लाख सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हिंदुस्तान में, आपके मुंह से एक शब्द, इस देश का नौजवान एक सवाल नहीं करता कि भाई हमारी नौकरियां छीन रहे हो तुम सरकारी विभागों को खत्म करके। आज इस कोरोना की महामारी में कोई हमारे देश के प्रधानमंत्री से नहीं पूछता, वो एक समय में रोने लगते हैं, उपदेश देने लगते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और अगले ही क्षण वो चुनाव की रैली करने चले जाते हैं बंगाल में। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी देश को चिता पर पहुंचा के खुद चुनाव की चिंता में लगी हुई है। बंगाल की चुनाव रैली में देश के गृहमंत्री घूम रहे हैं, बंगाल के चुनाव रैली में हमारे देश के प्रधानमंत्री दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी चिल्ला रहे हैं। ये इनका चरित्र है, ये इनका असली चेहरा है, ये इनका क्रूर चेहरा है। लोग मरते रहें गुजरात में, सूरत में, अहमदाबाद में, उत्तर प्रदेश में, भोपाल में, लखनऊ में, रायपुर में, भयावह तस्वीरें आए महाराष्ट्र में, भयावह तस्वीरें पूरे हिंदुस्तान से आए, लेकिन उसकी चिंता नहीं करेंगे, उसकी चिंता नहीं करेंगे प्रधानमंत्री जी, उसकी चिंता नहीं करेंगे देश के गृह मंत्री। इनको चिंता है तो सिर्फ और सिर्फ बंगाल के चुनाव की। और आप सवाल नहीं करते,
आपको अस्पताल नहीं मिल रहा है, आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, आपको बेड का इंतजाम नहीं है। जातियों और धर्मों के नाम पर पूरे समाज को ऐसा विखंडित कर दिया है, ऐसा बांट दिया है कि आज हम अपने मुद्दे भूल गए हैं। और बिल्कुल ठीक मैसेज उस व्यक्ति का जो मुझे आज सुबह आया कि हम लोग अस्पतालों के लिए लड़े कब, हम कब लड़े स्कूलों के लिए, हम कब लड़े अच्छी शिक्षा और चिकित्सा के लिए, हम कब लड़े बिजली और पानी के सवाल के लिए, टूटी सड़कों के लिए, अपने रोजगार के लिए, कब लड़े कि सरकारी विभागों को मत बेचो, हिंदुस्तान को मत बेचो। हम तो हमेशा मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़े, धर्म के नाम पर लड़े, जाति के नाम पर लड़े। इनसे ऊपर उठिए, इन सवालों से ऊपर उठकर देश के बारे में, अपने बुनियादी सवालों के बारे में, आज इस कोरोना की महामारी से हमें कैसे निपटना है इसके बारे में सोचिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की एक सरकार चल रही है, अरविंद केजरीवाल जी की एक सरकार चल रही है। होम आइसोलेशन से लेके ऑक्सीजन बेड बनाने से लेके वेंटिलेटर बेड बनाने से लेके प्राइवेट हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में नए बेड ऑक्यूपाई करके वहां पर बेड का इंतजाम करने से लेकर जितनी भी तरीके की सुविधाएं जनता के लिए चिंता सरकार की हो सकती है वो सब पूरा करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और फिर भी मुख्यमंत्री जी लोगों की सलाह मांगते रहते हैं, कहीं कोई हमसे चूक हो जाए, गलती हो जाए, आप बताइए। दिन रात काम कर रहे हैं, क्या ऐसी चिकित्सा को प्राथमिकता देने वाली, शिक्षा को प्राथमिकता देने वाली, बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देने वाली सरकार हमें नहीं चाहिए? आज मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, कोरोना की महामारी ने पिछली बार से भयानक रूप ले लिया है। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा केसेस हिंदुस्तान में आ रहे हैं इस वक्त, और यह स्ट्रेन कितना खतरनाक है हमें नहीं पता। इस कोरोना से कैसे हम जंग जीत पाएंगे, अभी बड़ी एक असमंजस की स्थिति सामने है। पिछली बार कोरोना का कहर आया था, इतने केसेस नहीं थे जितने आज हमें देखने को मिल रहे हैं। हर शहर कोरोना की मार से कराह रहा है, हर शहर। और इस समय हम सबको एकजुट होकर दूसरों की मदद के लिए आगे आना होगा। मैं आम आदमी पार्टी के भी कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा, हाथ जोड़कर, मास्क, सैनिटाइजर, जितना लोगों की मदद कर सकते हैं उसमें लोगों की मदद कीजिए। इस कोरोना की महामारी से बचने के लिए कम से कम घरों से निकलिए, बहुत आवश्यक ना हो तो ना निकलिए। क्योंकि केजरीवाल जी ने भी बताया कि 45 वर्ष तक की उम्र के लोगों को ज्यादा इस बार कोरोना प्रभावित कर रहा है, उनको ज्यादा खतरा बना हुआ है। 45 वर्ष तक के मरीज लगभग 65% इस बार पाए जा रहे हैं। तो ये एक अलग तरह का स्ट्रेन है, एक अलग तरह का वायरस है जो अभी समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। वैक्सीनेशन के बाद भी कई डॉक्टर्स पॉजिटिव पाए गए, हालांकि उसमें एक बात यह भी कही जा रही है कि जिन लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है उनके जीवन जाने की या उनके 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 ऊपर कोई जान का खतरा उस तरह का नहीं होगा। तो ठीक है, टीकाकरण जितना अधिक से अधिक तेजी से तेजी हो और उस टीकाकरण में आप हिस्सा लीजिए। एक बार फिर यही कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा कि अगर हमको वास्तव में इस देश से प्यार है, इस देश के लोगों से प्यार है, तो कम से कम अपनी जिंदगी से जुड़े हुए सवालों पर, अपनी जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दों पर सवाल करना शुरू कीजिए। इंकलाब जिंदाबाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भजन हलचल न्यूज़।